मंजी पीढ़ी ठुका लो। मिर्जा, अरे कौन भोंक रहा है ये बदतमीज। इंजीनियर, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਜੀ ਵੀ ਠੋਕੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮੰਜੀ ਠੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ 23 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਉੱਧਰ ਜਾਏ ਨਾ। ਕਿਆ ਕਿਆ ਬੋਲਾ ਤੂਨੇ? ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਉੱਧਰ ਜਾਏ ਨਾ ਅੱਗੇ ਰਲ ਜਾ ਯਾਰ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਮਾਪੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀ। ਭਾਈ ਆਪਕਾ ਨੌਲੇਜ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਕਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਯਾਰੀ ਨਾ ਨਾ ਲਾਏ ਅੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮਾਪੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਅਰੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿਆ ਚਾਹਤੇ ਹੋ? ਕਲਮਾ ਨਬੀ ਦਾ ਪੜ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੇ, ਚਵਲੇ ਉੱਧੜ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਝ ਆਈ ਆਪਕੋ? ਲੇਕਿਨ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਛਾ ਲਗਾ। ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇਰੀ ਯਾਰੀ, ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਐਡਾ ਅੱਗੇ ਨਾ ਟੁਰੋ। ਵੋ ਜਿਤਨਾ ਆਜ ਵੋ ਬਾਬੋ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ। ਉਸਕੋ ਖਾਬ ਆਤੇ ਹੈ ਬਾਬੋ। ਇਨਕੋ ਤੋ ਖਾਬ ਮੇ ਵੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਜ਼ਰ ਆਤਾ ਹੈ ਆਪ। हाँ? और बाबों के इतना खिलाफ, बाबे बाबे बाबे। हम उन बाबों को मानते हैं जो किताबों को मानते हैं, ये भी हमारे बाबे हैं, लेकिन देखें हमने उनको एहतराम से यहां रखा हुआ है। उनकी किताबों को आज 1200 साल बाद भी हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपने नबी के साथ गद्दारी नहीं की। जी आपके बाबे नकम्मे। मैं क्या जी दा अपना नकम्मा हो। पुत्र तू क्यों फेल होया? अब्बा जी तुहाडे दोस्त दा मुंडा भी फेल हो गया। हाँ भाई, दोए फेल हो। ਬੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਪਈ ਮੰਜੀ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਥੱਲੇ ਡਾਂਗ ਫੇਰੋ। ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਅੰਮਾ ਮਾਰੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੰਜੀ ਥੱਲੇ ਵੜਦਾ ਸੀ। ਅੱਬਾ ਜੁੱਤੀ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਉੱਤੋਂ ਮੁੰਡਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਬਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮਾ ਹੀ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਆਈ ਮਰਦੂਦ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਫਾਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ? ਆਂਦਾ ਬਾਬੇ ਨਿਕੰਮੇ ਵੀ, ਜਿਹਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿਕੰਮਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ? ਬਾ ਖੁਦਾ ਦੀਵਾਨਾ ਬਾਸ਼, ਬਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸ਼ਿਆਰ, ਤੇਰੇ ਬਾਬੋ ਨੇ ਰਸੂਲਾ ਕੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀ ਵੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਬਾਬੋ ਕੋ नहीं मानता। किनको मानता हूं? किताबों को। बोलो सच बोलो। किताबों को। उसको कहो जो सामने तुमने किताबों का ढेर लगा रखा है, उसमें से कुरान है अल्लाह का कलाम, बाकी सारी किताबें तेरे प्यो दिया ने। सरकार यही बात तो हम कर रहे हैं। हम उन बाबों को मानते हैं जो किताबों को मानते हैं, ये भी हमारे बाबे हैं, लेकिन देखें हमने उनको एहतराम से यहां रखा हुआ है। उनकी किताबों को आज 1200 साल बाद भी हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपने नबी के साथ गद्दारी नहीं की। इन्होंने कुरान और सुन्नत की तालीमात हम तक पहुंचाई हैं। तो हम उन बाबों को मानते हैं जो किताबों को मानते हैं। जो किताबों के गद्दार हैं उन बाबों को हम नहीं मानते। बिल्कुल सीधी सी बात। समझ आई दोनों? समझ आ रही है ना? हाँ, ये वो चीज है। वो हमारे बाबों की है। दो नंबरी देखी है? साढ़ा कुत्ता कुत्ता, तोड़ा कुत्ता टॉमी। शायद इसलिए क्योंकि आदत ही हो गई है। बुखारी हमारे बाबे दी, तिरमिजी साडे बाबे दी, इब्ने माजा साडे बाबे दी, निसाई साडे बाबे दी किताबां पढ़ के सानू ही। तो ये जो इल्जाम बार बार मेरे ऊपर लगता है, किताबों की बात करता है तो बाबों की बेहरमती करता है, ये किताबें भी बाबों ने लिखी है। और सरकार जिदा लोकी कलमा पढ़ते हो मोहम्मद और ते मियां मोहम्मद बख्श और है वो तुहाडे बाबे और बुखारी मुस्लिम और ये तो सारे वफादार हैं अपने पैगंबर के। तुम्हारे बाबे वो हैं जिन्होंने गद्दारियां की हैं। तो इस तरह तो ना करो कि दोनों चीजों को मिक्स करके पब्लिक को धोखा देने की कोशिश करो। कहते जी मैं बाबों को नहीं मानता। अगे भी टोरो ना, कुछ करना कुछ भी नहीं। भी तुम कैसे कह सकते हो बाबों को नहीं मानता? ये जो असूल हदीस है ये कुरान में आए हैं। उला, सानिया, सालिसा, राबिया, खामिसा, सादिसा और फिर साबिया, और फिर कहते हैं जी तखसुस फिल हदीस, तखसुस फिल फिक और तखसुस फिर तफसीर। ये हदीस सही है, ये हसन है, ये लिजात ही, ले गैर ही, ये मरफू है, मक्तू है, ये ज़ईफ है, ये मौज़ू है। ये सिर्फ अपना इल्मी रोब झाड़ने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। ये तेरे बाप ने तुझे बताया क्या? कुरान में आया। हमारे बाबों के बताया असूल हदीस पढ़ के हमें भौंकता है। यानी के तेरा बाबा चिश्ती रसूलल्ला वाला हमारे बाबों को नहीं। जी जी, बाबे तो शायद कोई नहीं, अंबिया के मुकाबले पे। कहते जी बाबे। अच्छा फिर फक्की देंदा है, हालांकि उन्हें पता नहीं सुनिया ने पीपे रखे ने पर खोल दे नहीं। देगा ना सरकार, मां ने ऐसा कोई बंदा नहीं जमया, ना मरे हुओं में से ना जिंदों में से, जो इंजीनियर साहब के कुरान और सुन्नत के दलायल का मुकाबला कर सके। इंजीनियर साहब का नहीं, इंजीनियर साहब जो कुरान और सुन्नत से दलायल ला के रख रहे हैं। मुझे बताए किसकी जरूरत है के चिश्ती रसूल्ला या अशरफ रसूल्ला का दिफा करे आके। ईमानदारी दी गल है, शुक्र करो असि गुजराले दे सिर्फ पीपे खोल दईए ना फकीया दे, ते फकी तले दबया जाए। मस्ती काणे है, फकी देंदा है। कहंदा जी लो फकी की जी? ओ जी अगर है बाबे तो बताओ
आज वो डूबे को क्यों नहीं निकालते? मैं क्या वो तो वो बाबा था ना जिसने 12 साल के बाद तुम्हारी डूबी कश्ती को निकाला। तुम क्या तो आज वो बाबे किधर हैं? मैंने कहा बाबिया नु छड़ ए जवान वाला तू डूब ते ना तारा ते जो दे ले आख ले। इधर जवाब मेरे को है, अगर कर सकते हैं तो ठीक है। फिर हमारी रिक्वेस्ट है कि इन सारे गौसों को आप मदद के लिए पुकारें कि यूट्यूब के ऊपर जो रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखाना वीडियोस अपलोड है उन्हें डिलीट करवाएं, फिर मानेंगे इनकी बुजुर्गी। फक्की देनी है ना, तू डुब ते 12 साल नहीं 13 साल भी पूरा करी ते मैं ना जवान तारा ते जो दे लिया। और लानत आओ तुम्हारी सोच उते। कुरान की तारीफ करने वाले लोगों, गद्दारों, इज्जतें अवेल की हैं तुमने रसूलुल्लाह के नाम के ऊपर, सवारियां सवार की तुमने मक्के और मदीने की आवाजें लगाकर और फेंकी जाके अजमेर में, बगदाद में और देवबंद और बरेली के अंदर गद्दारी की है तुम लोगों ने अपने नबी के साथ। साडे कोल फकीर है डुब सही से तारा का मैं बेटा तुमसे ना हो पाएगा ते बाबा नहीं जवान तो आ सही सामने रह गई गल के जी नहीं ये कर ये बाबे कहता जी कश्मीर फलस्तीन में तुम्हारे बाबे किधर है। लो एक और फकी ले लो। चलो 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 जी फलस्तीन में ये मैं इल्जामी जवाब दे रहा हूं, ये अकीदा नहीं है मेरा, ये मैं इल्जामी जवाब देता हूं कि जी फलस्तीन में तुम्हारे अली अजवेरी किधर हैं, तुम्हारे गौस पाक किधर हैं। अगर तुम ये इस तरह कहते हो कि फलस्तीन में आके तुम्हारे बाबों ने मदद नहीं की तो इल्जामी जवाब दे ये है कि क्या नऊज बिल्ला सुम्मा नऊज बिल्ला हम ये कह सकते हैं कि बदर में फरिश्तों को उतारने वाले अल्लाह ने आज फलस्तीन में फरिश्ते क्यों नहीं उतारे? ये तो करो ना, करके दसो। चिड़िया उड़ सकती है तो वली क्यों नहीं उड़ सकता? उड़ो ना। हाँ, वलियों के मानने वाले तो चिड़िया से तो बेहतर है ना, तो चिड़िया तो उड़ती है, ऐ मानने वाले क्यों नहीं उड़ दे? क्या हम ये कह सकते करवाली बेस्ती? तो फिर माती मारी गई है चूड़िया जी, तो मुंह न मथा ते जेने पाड़ू लथा। अगर बात हो ना ये बाबे क्या कर सकते हैं तो मैं उम्मत मुस्तफा के बाबे की बात नहीं करता। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम قال الذي عنده علم من الكتاب, अरे वो एक बाबा जिसको अल्लाह ने इल्म का किताब का इल्म का कुछ हिस्सा दिया, तख्ते बल्कीस सैकड़ों मील दूर था। और ये किसी की कहानी नहीं, ये किस्सा नहीं, अगर वही जो है वो हदायत है, कुरान हदायत है, हमारे बाबे वो है। अरे सुलेमान अलैहिस्सलाम की कौम का एक शख्स जो बली नहीं था, जो नबी नहीं था, बली था, एक आंख पलकने पलक के झपकने से पहले हजारों मील दूर से तख्त ला सकता है, वो सुलेमान का उम्मती था, तो मेरे मुस्तफा के उम्मती की क्या बात है? मसलन एक बंदा यहाँ हवा में उड़ना शुरू कर दे और कहे कि जी इसमें से अब मैंने ये निकाला है कि आंधा के बाद 2 + 2 = 5 होंगे, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे उड़ रहे अच्छे हो, ठीक है और उड़ो, ठीक है नारे पाकिस्तान पे जाओ, जिधर मर्जी जाओ, लेकिन बात यह कि इससे 2 + 2 = 5 नहीं होंगे, 2 + 2 = 4 रहेंगे। इस तरह जो कुरान और सुन्नत की तालीमात है वो तो अपनी जगह रहेंगी। ये करतब से क्या साबित करना चाहते हैं? मसलन हम लोग कहते हैं कि नमाज रफुल दैन से पढ़े, वो कहते हैं तख्ते बल्कीस आ गया सी। तख्ते बल्कीस के आने से रफुल दैन का क्या ताल्लुक है? वो बताना ये चाहते हैं कि जो दीन आप हमें बता रहे हैं ना किताबों में, हमने ये नहीं मानने क्योंकि हमारे अब्बे शोबते कर लेते हैं, उन शोबतों की वजह से वो जो दीन बताएंगे वो ठीक होगा, आपका दीन ठीक नहीं होगा। हम कहते हैं फिर रुको जरा, सब्र करो, ठीक है आज रफुल दैन छोड़ देते हैं, लाओ व्हाइट हाउस मार्गला की पहाड़ियों पे रखो, मान लेंगे। और साथ ये फिर बताओ अगर ना ला सके तो रफा दैन शुरू करना ही, तेरे होते जन्म लिया होता रफा दैन फिर भी तू नहीं शुरू करना। Ha ha ha!